Oh my God. अंजू क्या हुआ, किसका फोन है? हीरा और उसके बच्चे को टैंकर ने उड़ा दिया। भाई सड़क पे मौत हो गई दोनों की। हीरा मेड? किसने फोन किया था? डेविड ने। डेविड का? Oh my God. हेलो, मैंने कहा था ना कि मुझे मत छेड़, मुझे मत छेड़। कौन बोल रहा है? लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अब देख ली मेरी पावर, आगे से ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए हमेशा खामोशी रहना महारानी, नहीं तो तेरा भी कहीं। तुमने हीरा को? चीख मत, बहुत जान पहचान है ना तेरी मिनिस्टरों से, तो उन्हें अपने घर में बिठा के शराब पिला। क्या कर लोगे मुझे? हा? मार दोगे मुझे? मार डालोगे मुझे? क्या? मुझे फोन दो। हेलो, कौन बोल रहा है? मुझे धमकी दे रहा था। फोन कर दिया। कौन था ये, किसका फोन था? पता नहीं, कोई गुंडा था। एक बार पहले भी फोन किया था उसने, हमें धमकी दे रहा था। मनु मुझे डर लग रहा है। अंजू डोंट बी स्कैर्ड, कुछ नहीं होगा ना तुम्हें ना मुझे ना इस घर को, कुछ नहीं होगा। ऐसे धमकियां मैंने बहुत देखे हैं। फिर भी मंजू हमें कॉलर आईडी लगा लेनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि फोन कहां से आता है और किसका फोन है। अरे तुम्हें कुछ करने की कोशिश करेगा तो जान नहीं ले लूंगा मैं उसकी। बट मंजू आई आई रियली फील टेरिबल, हीरा के साथ जो हुआ है शॉकिंग रियली। आओ मंजू लेट्स गो इनसाइड, कम। मनु मुझे कॉल करनी है, नीलू से बात करनी है मुझे। ओके डॉक्टर। हेलो। हाँ मंजू बोल। अभी उस आदमी का फोन आया था, वही जो हमें पहले भी फोन करके धमकी दे रहा था। नीलू उसने हीरा और उसके बच्चे को मरवा दिया है। What? हाँ, अभी उसने मुझे फोन करके कहा, मुझे भी धमकी दे रहा था। मुझे डर लग रहा है नीलू। Oh my God, ये हो क्या रहा है मंजू? He actually threatened you? देख तो ऐसा कर, तू फोन बिल्कुल मत उठाओ, ओके? मनु है ना घर पे? हाँ मनु है घर पे। नीलू वी कांट लेट हिम गेट अवे विद दिस, हमें कुछ करना पड़ेगा नीलू, वी हैव टू डू समथिंग। हाँ चल बाय मंजू, टेक केयर। बाय बाय। गुड मॉर्निंग माँ जी। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गई तुम? चल बैठ, मैं तुझे चाय देती हूँ। गुड मॉर्निंग पिताजी। मॉर्निंग बेटा, बैठो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ठीक है? अरे भाई कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल किया करो, देखो क्या हालत बना ली है तुमने दिन रात काम कर करके। अच्छा बता नाश्ते में क्या खाएगी तू, टोस्ट या आलू पराठा या फ्रूट जूस? तू जो कहेगी मैं बना दूंगी तेरे लिए। सुधीर चाय दे दे टीना को। थैंक्स माँ जी। नहीं वो आलू के पराठे बहुत ऑयली होते, मेरा वजन बढ़ जाएगा। I think I just have a fruit. Fruit ही काफी है। तू जो कहेगी मैं वही ला दूंगी। हाँ तब तक तू चाय पी ले। जी अजी आप चाय नहीं पी रहे? मेरी फिक्र मत कर, तू कम से कम अपने वजन की तो चिंता करती है। सुधीर को देख, दिन भर सोता रहता है या सोफे पे बैठ के टीवी देखता रहता है। अब ये भी नहीं कि खाने पे जरा कंट्रोल कर ले या कसरत कर ले थोड़ी सी। अभी इतना वक्त है इसके पास, लेकिन आहा एक्सरसाइज नहीं करेगा। आलसी। अब इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, मैं तो उसके अच्छे के लिए कह रही थी ना। मैंने इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं तो गाड़ी पार्क करने को गया था और जब आया तो देखा वो रोड क्रॉस कर रहा है और सामने से एक टैंकर आया फुल स्पीड में और उसको उड़ा दिया मैडम। वो हीरा तो सड़क का दूसरा कोने में जाके गिरा और वो बच्चा तो बस 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 डेविड और कुछ मत कहो, मेरे तो रोंटे खड़े हो रहे हैं। I can't believe it. कल मैं उस बच्चे को लेके गोद में खेल रही थी और अब बेचारी हीरा वो तो। मैडम कितना डिफिकल्टी से उसको अपना बच्चा मिला था,
और कितना खुश था वो। बच्चे के लिए वो अपना जान देता था और उसी के लिए उसका जान गया। I don't know, मुझे लग रहा है मैंने उसे कहा था कि बच्चे का मेडिकल चेकअप करा लो, अगर मैं नहीं कहती तो शायद वो आज I don't know, I'm feeling so responsible. Anju, please, आपको दोष मत दो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारे कुछ कहने करने से नहीं हुआ ये। It was just an accident. उसकी बदकिस्मती थी, बेचारी को फिर से जिंदगी शुरू करने का मौका भी मिला और it was just sheer bad luck. पता नहीं क्यों नीलू, मुझे अंदर से बार बार आवाज आ रही है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। बच्चों की दलाली, नो आई वोंट अलाउ दिस टू हैपन। हीरा और उसके बच्चे की खातिर मैं इसके बारे में जरूर कुछ करूंगी। हाँ मंजू, तुम्हें जरूर कुछ करना चाहिए। देखो मैं जानती हूँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसकी वजह से कम तुम्हें यह एहसास तो हुआ कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। और अगर तुम वाकई कुछ करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। देखो मैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जानती हूँ जो इसी फील्ड में काम करते हैं, खास तौर से चाइल्ड वेलफेयर में। तुम चाहती हो मैं उनसे बात करूँ? हाँ नीलू, मैं कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके तुम्हें फ़ोन करती हूँ। थैंक्स नीलू, कम से कम तुम्हारे जरिए मैं अपनी अंदर की आवाज की पुकार को जवाब तो दे पाऊंगी। तुम सुन रहे हो ना सुधीर, मैं एक नई सील कर रही हूँ जिसमें मैं लीड हूँ, जो बदला लेती है उसके साथ और उसके परिवार के साथ हुए अत्याचार का। बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है। सुधीर, मैं दीवार से बात नहीं कर रही, तुमसे बात कर रही हूँ, कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही। प्लीज यार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी ये सीरियल की बातों में, बोर करती है मुझे, और ना तो मैं तुम्हारी सीरियल्स देखता हूँ। ये सीरियल में काम करने में तुम्हें ज्यादा मजा आएगा ना, तुम्हारा हीरो अक्षय जो है। अक्षय हीरो है तो? हाँ, तो काम करने में मजा आएगा ना। एक मिनट। हेलो जी, बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ जी, ठीक है सर, मैं शाम 10 बजे पहुंच जाऊंगा। जी सर। सुनो, मुझे 10 बजे इंटरव्यू के लिए बैंड्रा पहुंचना है, मुझे छोड़ दोगी? नहीं सुधीर, दैट्स नॉट पॉसिबल, तुम खुद चले जाना ना प्लीज। मेरी 9:30 की शूटिंग है और लोकेशन काफी दूर है और बांद्रा भी, इट्स नॉट पॉसिबल, तुम खुद चले जाना ना प्लीज। तुम उनसे फोन पर कह दो ना कि तुम आधे घंटे लेट आओगी। नहीं दैट्स नॉट पॉसिबल सुधीर, प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम टैक्सी लेके चले जाओ ना। टीना, टैक्सी में बहुत महंगा पड़ता है। तो फिर मुझसे पैसे ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। टिंकू तुमसे 3 साल छोटा है। Hi, my name is Rohan. My name is Tinku. तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम फिकर मत करना, हमारी स्कूल बहुत अच्छी है। मजा आएगा, बंदरों भागो, नहीं तो स्कूल बस मिस हो जाएगी। Bye माँ। Bye. Take care baby. Bye आनी। Bye माँ। Bye. चलो मैं भी चलती हूँ, तुम्हें भी देर हो जाएगी नहीं तो ऑफिस के लिए। Yeah, actually I'm sorry, आप टाइम होता तो मैं तुम्हें बैठने के लिए कहती। Hey, it's okay. अरे हाँ, by the way, how is Tina? उसका सीरियल काफी अच्छा चल रहा है, मेरे ऑफिस के सब कुलीग्स देखते हैं, उसके चक्कर में मुझे भी थोड़ा सा भाव मिल जाता है। चलो अच्छा है, टीना की बदौलत सही उसके दोस्तों को भी इज्जत मिल जाती है। और आजकल तो उसकी शूटिंग पे भी नए दोस्त बन रहे हैं, वो क्या नाम है ना, अक्षय उसका नया दोस्त है। हाँ गुड, अच्छी बात है, नए दोस्त बनने चाहिए। गुड। हाँ क्यों नहीं, सिर्फ बुरा लगता है तो सुधीर के लिए, वो सारे दिन अकेला घर पर पड़ा रहता है,
अपनी बीवी को मिस करता रहता है। टीना एक्चुअली बहुत ज्यादा बिजी हो गई ना। बट गुड, शी इज लकी सुधीर जैसा हस्बैंड मिला है, वो समझता तो है ना। यू नो वर्किंग रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैंने और बात की तो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। चलो चलते हैं। ठीक है, मैं शाम को मिलती हूँ। टिंकू को लेने आऊंगी ना घर पे, तो मिल लूंगी। बिंदु मैं शायद 8 बजे तक आऊँ, आई माइट नॉट बी एबल टू मीट यू, बट वी विल कैच अप। श्योर, कम। बाय। माय गॉड, इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं। दिस इज सच अ फैंटास्टिक आइडिया अनीता, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैम इतने सारे फैक्सेस आए हैं कल रात से, दिस इज जस्ट ग्रेट। रियली पता है, आई एम सो ग्रेटफुल कि पम्मी और वसुंधरा ने मुझे इस आइडिया में शामिल किया। गॉड प्लीज जस्ट यूं ही मेरा साथ देते रहना प्लीज। मैम वो आपके लिए एक फोन आया था। किसका था? कोई मिस्टर मनोवी राज सक्सेना का फोन था। राज का फोन था? पहले क्यों नहीं बताया? यू जस्ट सच अ सिली गर्ल। सॉरी मैम। हाँ रेवा, I'm so sorry. नहीं राज, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मुझे अभी पता चला कि तुम्हारा फोन था। नहीं नहीं, मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूँ कि जो तुमने टीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगा। क्या तुम क्या कह रहे हो राज? डोंट डू दिस, आई वाज डिपेंडिंग ऑन यू। लिसन रेवा, आई एम नॉट बीइंग डिफिकल्ट, लेकिन अचानक मुझे बहुत जरूरी मीटिंग्स के लिए अब्रॉड जाना है, सो आई वोंट बी एबल टू मेक इट। ओके, अच्छा क्या मैं तुमसे एक बार मिल सकती हूँ? ठीक है, आना चाहती तो आ जाओ, लेकिन मैं आ नहीं सकूंगा। प्लीज राज, एक बार मुझसे मिल लो, आई विल कन्विंस यू। देखो तुम एक दिन के बाद भी जा सकते हो, ये कॉन्टेस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एडवर्टाइज कर चुकी हूँ, तुम्हारे नाम से एडवर्टाइज कर चुकी हूँ। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। ठीक है रेवा, 4 बजे आ जाना। ओके, यहाँ परफेक्ट, आई विल बी देयर। कितना टाइम और लगेगा मैडम? मैम जस्ट 5 मिनट्स। ओके थैंक्स। नीलू, आई एम रियली सॉरी मुझे देर हो गई। तुमने अचानक फोन किया था ना, मैं तैयार नहीं थी, उसे तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आई एम रियली सॉरी। वेल इट वाज वर्थ इट। रियली मुझे तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी बात पता क्या लगती है मंजू? क्या? तुम जब भी घर से निकलती हो ना, चाहे तुम रेस्टोरेंट जा रही हो चाहे एनजीओ आ रही हो, हर चीज एकदम परफेक्ट, एकदम टिच। यू ऑलवेज अ वेल ड्रेस्ड वुमन। थैंक यू। आई गेस मॉडलिंग डेज की आदत है। Modeling does teach you grooming, so I guess that's the result. Really brilliant. Yes sir, मैं भेजती हूँ। मैडम आपको अंदर बुलाया है। ओके थैंक्स। अरे कहाँ चले गए? Do you think we should wait? हाँ, क्योंकि कहा तो था हमें आने के लिए। चलो वेट करते हैं। क्या अमेज़िंग। हाय। Hi. I am Vedant Mathur. Glad to meet you. Hi, nice to meet you. और ये मेरी फ्रेंड है मंजू सक्सेना। आई आई। Thank you. बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, एनीथिंग? No, thank you. नहीं, nothing. अच्छा फरमाइए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? वेदांत, मंजू की एक मेड थी हीरा, उसका छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसके साथ एक हादसा हुआ। एक दिन ना वो अचानक जब घर वापस आई तो बच्चा गायब था। He had been kidnapped. वो पुलिस के पास गई पर बच्चा ढूंढना तो दूर, उन्होंने तो FIR भी नहीं लिखी। इनफैक्ट उसे मारा, धमकाया और किडनैपिंग की कंप्लेन भी नहीं रजिस्टर की। और जब मैंने उसकी मदद करनी चाही, मुझे भी थ्रेटनिंग कॉल्स आने लग गई। पर हम लोग पीछे नहीं हटे, हमने ऊपर से पुल लगवाया, उसका बच्चा मिल गया। हम लोग समझे कि शायद केस ओवर हो गया हो, पर किडनैपर्स की गैंग हीरा के पीछे ही पड़ी रही। और कुछ दिन पहले उन्होंने हीरा और उसके बच्चे को टैंकर से उड़ा दिया। They both died on the spot. It was a simple case of hit and run. बच्चा मिलने के बाद भी उसे जिंदगी नहीं मिल पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जुर्म से लड़ने की ताकत दिखाई, उसमें हिम्मत थी अपने बच्चे को बचाने की, सिर्फ इसलिए उसे मार दिया गया।
और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। कैसे कहती है, हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी ये कहने की कि मेरी माँ एक बार डांसर है। उन्होंने बहुत मेहनत की है रवि, दिन रात एक कर दिया है मुझे पढ़ाने में, मुझे लिखाने में, मेरी परवरिश करने में। उनकी साथी डांसर से ये भी कहा करती थी वो इतनी बीमार रहा करती थी कि शायद मर भी जाती। But she didn't stop, रवि। वो तो बस इतना ही चाहती थी कि मैं उन्हें जाके एक बार मिल लूं। और मैं चली गई, मैंने उनका अच्छे से अच्छा इलाज कराया, अच्छे से अच्छा अस्पताल में दाखिल कराया। I couldn't save her. वो चल बसी। तुमसे इतने क्लोज होने के बावजूद भी मैं तुमसे ये नहीं कह पाई कि मेरी माँ एक बार डांसर है। डरती थी कि तुम कहीं मुझे ठुकरा ना दो, बस इसलिए बिना कुछ बताए बिना कुछ कहे मैं चली गई। आई कुडंट हेल्प इट रवि। आई नो रवि, मैंने बहुत गलत काम किया, तुम्हें बहुत परेशान किया है। इन द बागिन मैंने मॉम को भी खो दिया, तुम्हें भी खो दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो मैं एक अच्छी दोस्त नहीं बन पाई, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना, बहुत परेशान किया है ना। विल यू एवर फॉरगिव मी फॉर दिस? क्या तुम मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे? हाय हाय, क्या बात है पिक्सी, आज बहुत देर लगा दी तुमने। पूछिए मत मिसेस खन्ना, रवि कहाँ है? बस अभी तो निकल गया। कहाँ चला गया? वो किसी का फोन आ रहा था उसके लिए बार बार। किसका फोन? किसी लड़की का था। अलीशा का फोन तो नहीं था? हाँ अलीशा का ही फोन था। एंड इनफैक्ट जैसे ही रवि आया मैंने उसे बताया भी कि अलीशा का फोन था, एंड यू नो ही जस्ट लेफ्ट। मैंने कहा भी कि बॉस से मिलके जाओ, बट देन मैं समझ सकता हूँ अलीशा, तुमने बहुत दुख सहा है। लेकिन अलीशा अब इतने दिनों बाद जब हम दोनों मिल रहे हैं तो मेरी जिंदगी में मैं जहां हूं जिसके साथ हूं वो जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ना तब मैं बिल्कुल टूट गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कहां गलत था, तुम क्यों चले गए। आई वॉज गोइंग टोटली मैड। जिससे मैं इतना प्यार करता हूं वो मुझे छोड़ के चले गए बिना कुछ बताए। यूं बेसहारा बीच मझधार मुझे तुम क्यों छोड़ के चले गए? जिंदगी भी खत्म नहीं हुई ना रवि, हम फिर से एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, और इस बार कोई किसी का साथ नहीं छोड़ेगा। रवि क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे?